नमस्कार दोस्तों, एएसटी में आपका स्वागत है। मैं आशीष आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप जनसेवा केंद्र कैसे ले सकते हैं। आप शहरी में हैं या फिर ग्रामीण में, दोनों जगह आप स्थापित कर सकते हैं। इसकी पूरी प्रोसेसिंग बताऊंगा, आप इसे ध्यान से देखते रहिएगा। पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले दोस्तों, आप हम बात कर लेते हैं, आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर प्लस ईमेल दोनों जनरेट होना चाहिए आपके आधार कार्ड से लिंकेड। और दूसरी चीज, आपका आधार वेरीफाइड होना चाहिए। इन तीनों चीजों की जरूरत है आपके आधार पर, तो ही आप रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं सीएससी के लिए, वो भी निःशुल्क। चलिए हम वेबसाइट पर चलते हैं, web.umang.gov.in। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी जाकर वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए, हम जो है web.umang.gov.in की वेबसाइट पर आ गए हैं। आप ऊपर की तरफ देखेंगे यूजर लॉग इन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक वक्र खुलेगा। यहाँ पर पूछ रहा है डिजिटल इंडिया में मोबाइल नंबर या आधार नंबर किस से लॉगिन करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके बाद सेकंड प्रोसेसिंग में आगे जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। नीचे आप देखेंगे न्यू यूज़र, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। आपको देखिएगा सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन मोड, सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन मोड में आपको आधार कार्ड से या फिर मोबाइल नंबर दोनों में से किसी एक को से रजिस्ट्रेशन करना होगा। चलिए आधार नंबर क्लिक कर, ये देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने आ गया है। और आपको यहाँ पर 12 अंकों का आधार नंबर टाइप करना है। और यहाँ पर आप देखिएगा एक आइकन क्लिक करने के लिए देता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। नीचे की ओर देखेंगे वेरीफाइड यूज ओटीपी, आपके नंबर पर जो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी आएगा। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए, आपके नंबर पर जो आधार कार्ड से लिंक है उस पर एक ओटीपी भेजा गया है। आपको 6 अंकों का ओटीपी यहाँ पर टाइप करना है। टाइप किया, आप नीचे देखिएगा एक आइकन आ गया, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर कह रहा सेट एम पिन, आप 4 अंकों का गुप्त कोड सेट कर सकते हैं। पहला एंटर, फिर कन्फर्म, और फिर नीचे देखिएगा एक आइकन है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। अब वो आपसे पूछ रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चन, अगर आप कभी भी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको कभी रीसेट करना है तो आपको 2 क्वेश्चनों के आंसर देना होगा, तभी जो है आपका पासवर्ड रीसेट होगा। इसलिए 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। फिर नीचे के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिए आपकी प्रोफाइल जो है आपके सामने आ गई, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जनरेशन आपके सामने आ गई है। आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर देखिएगा अकाउंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर ईमेल डाला हुआ है। और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं एक नया नंबर ऐड करें तो आप कर सकते हैं। ये देखिए मैं जो है नंबर टाइप किया और यहाँ पर क्लिक किया, ये देखिए सक्सेसफुली हुआ हमारा जो नया नंबर जो है उसे भी ऐड कर लिया। ओके कीजिएगा। यहाँ पर आपके नंबर पर एक ओटीपी आया होगा, जो अभी नया नंबर ऐड किया है आपने उसको टाइप कीजिएगा और ये नेक्स्ट की बटन पर क्लिक कीजिएगा। ये देखिए ओटीपी सक्सेसफुल वैलिड। इसके बाद आप नीचे आएंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए आपने जो ईमेल लगाया है आपने उस मेल पर एक लिंक जाएगा, आपको उसे वेरीफाइड करना होगा। चलिए हम ओके पर क्लिक किया। ये देखिए हम मेल चेक कर लेते हैं, हमारे मेल पर ये जो लिंक आई है इस लिंक को हमें फॉलो करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो है वेरीफाइड हो जाएगा डिजिटल सेवा के लिए। यहाँ पर देखिए वेरीफाइड होगा सक्सेसफुली, आपका ईमेल जो है जनरेट हो गया है और वेरीफाइड भी हो गया, सक्सेसफुली हो गया। हम फिर से वापस वेबसाइट पर जाते हैं और हमें फिर से लॉगिन करके देख लेते हैं हमारा पासवर्ड जनरेट हुआ है या नहीं। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप कीजिएगा, अपना आधार नंबर टाइप कीजिएगा और जो 4 अंकों का ओटीपी बनाया था पिन नंबर उसे टाइप कीजिएगा और इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर दीजिएगा। आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप यहाँ से घर बैठे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस वीडियो का समर्थन कीजिएगा। और ये हमारे कुछ पॉपुलर वीडियो जिन्हें देखकर कुछ नया सीख सकते हैं, क्लिक हर दिस वीडियो